Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, that is periodic table and periodicity. अब सबसे पहले तो periodic table और periodicity हम पढ़ते ही क्यों हैं? क्योंकि आपने modern periodic table already देखा होगा. आज की date में हम उसी table को study करते हैं, उसी को use करते हैं. उसके बाद कोई ऐसी discovery नहीं हुई है. तो modern periodic table में अगर आपने ध्यान से notice किया हो, तो उसमें 118 elements हैं. अब 118 एलिमेंट्स को इंडिविजुअली पढ़ना इट इज नॉट पॉसिबल. फॉर एग्जांपल, अगर मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं 100 के 100 स्टूडेंट्स का नाम याद रख पाऊं. ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? सपोज मैंने 100 स्टूडेंट्स को अल्फाबेटिकली क्या किया, कैटेगराइज कर दिया. सपोज ए नाम वालों को मैंने एक रो में बिठाया, बी नाम वालों को एक रो में बिठाया. ठीक है, ऐसे मैंने हर अल्फाबेट वालों को एक एक रो में बिठा दिया. अब जैसे टोटल कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26 अल्फाबेट्स होते हैं. तो ऑन एन एवरेज पर अल्फाबेट कितने स्टूडेंट्स होंगे? मैक्सिमम 4 या 5. अब सपोज एक रो में सिर्फ ए वाले बैठे हैं, एक रो में सिर्फ बी वाले बैठे हैं, ऐसे ही हर रो में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने क्या किया, बच्चों को बिठा दिया. तो ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे मुझे उनका नाम याद होने लगेगा, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बात रहेगी कि इस रो में सिर्फ ए नाम वाले बैठे हैं. अब ए से कितने कॉमन नेम होते हैं, जैसे अमित हो गया, अंकित हो गया, आकाश हो गया, तो मुझे धीरे धीरे लर्न होने लगेंगे. तो सेम बात पीरियोडिक टेबल के लिए भी वैलिड है, क्योंकि 118 एलिमेंट्स हैं. तो 118 एलिमेंट्स को इंडिविजुअली स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, और अगर आप स्टडी कर भी लेते हो, आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि एक एक एलिमेंट के बारे में डिटेल्स याद रखना इज वेरी डिफिकल्ट. इसलिए हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं. तो पीरियोडिक टेबल बेसिकली क्या करता है? पीरियोडिक टेबल एक सिस्टमैटिक, एक टैबुलर तरीका है एलिमेंट्स को ग्रुप करने का, ग्रुपिंग करने का, ताकि हम उनको अच्छे से स्टडी कर पाए. तो आपको यह पता होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं दैट व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, हमें जरूरत ही क्यों है एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की. तो सिंपल सा आंसर है, टू मेक आवर स्टडी इजियर. हमारी स्टडी को इजी बनाने के लिए हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ पाए और समझने के साथ साथ अच्छे से याद भी रख पाए. तो लेट अस फर्स्ट राइट डाउन कि पीरियोडिक टेबल की जरूरत ही क्यों थी. तो आप यहां पे सिंपली लिख सकते हो एक लाइन में दैट पीरियोडिक टेबल इज अ systematic and tabular way. Periodic table is a systematic and tabular way of writing elements discovered. जितने भी elements डिस्कवर हो चुके हैं, उनको जब हम एक सिस्टमैटिक वे में या एक टैबुलर वे में लिखते हैं, तो उसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं. अब आज की डेट में जो आप पीरियोडिक टेबल देखते हो, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड वही बन गया. अब फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम कोई नया काम सीखते हैं, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम धीरे धीरे एफर्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे उस पर इम्प्रूव करते हैं. तो सेम बात पीरियोडिक टेबल के लिए भी वैलिड है. पहले साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ साइंटिस्ट ने स्टार्टिंग से क्या किया, एफर्ट शुरू किया. अब धीरे धीरे उन्होंने कुछ कुछ बातें एनालाइज करी, कुछ कुछ बातों को समझा, और उसी के बेसिस पे जो पीरियोडिक टेबल है वो बिल्डअप होता गया. तो सबसे पहले हम अर्लियर अटेम्प्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टार्टिंग में अटेम्प्ट किया एक पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए. ऐसा नहीं है कि पीरियोडिक टेबल एक ही बारी में बन गया या एक ही गो में बन गया या एक ही एफर्ट में बन गया. एक्चुअली इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, इसलिए बहुत सारे साइंटिस्ट का एफर्ट है, कॉन्ट्रीब्यूशन है जो आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको बनाने में. तो वन बाय वन हम सारे साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी अर्लियर अटेम्प्ट्स. तो सबसे पहले हम अर्लियर अटेम्प्ट्स को डिस्कस करेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि जो आज का टेबल है वो आया कैसे. ओके, अब ये जो अर्लियर अटेम्प्ट्स हैं, इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल या कुछ ऐसा नहीं है इस चैप्टर में,
बिकॉज ये इनऑर्गेनिक का चैप्टर है और इनऑर्गेनिक के चैप्टर में मोस्टली न्यूमेरिकल्स इतने ज़्यादा नहीं होते, थोड़े बहुत होंगे जब हम आगे की क्लासेस में प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी आपको चीज़ों को समझना है और याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहला एफर्ट किया, उसका नाम था प्राउस्ट, PROUST, प्राउस्ट। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि प्राउस्ट ने क्या बोला, उसके बाद हम इसको लिखेंगे भी क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो प्राउस्ट ने क्या बोला कि जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर नथिंग बट दे आर एग्रीगेशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन को एग्रीगेट कर दें, हाइड्रोजन के बहुत सारे ग्रुप्स बना दें, उसका एग्रीगेशन कर दें, तो उसी के कलेक्शन से क्या बन जाते हैं, दूसरे एलिमेंट्स बन जाते हैं। ये किसका मानना था, प्राउस्ट का मानना था। और उसने बोला क्योंकि एलिमेंट्स हाइड्रोजन का ही एग्रीगेशन है, तो जितने भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं दे आर नथिंग बट द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज हैं उसी का अगर हम इंटीग्रल मल्टीपल कर दें तो हमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट की क्या मिल जाएगी, प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो ये किसने बोला, प्राउस्ट ने। और हमें पता है ये बिल्कुल ही गलत है, है ना, आज की डेट में तो हमें पता है, लेकिन तब प्राउस ने ये बात बोली थी। तो एक सिंपल सी लाइन में हम इसको लिख लेते हैं, इसके अलावा उसका कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था। तो एक सिंपल सी लाइन में हम यहां पे लिख लेते हैं कि प्राउस ने क्या बोला था, दैट अकॉर्डिंग टू प्राउस्ट। आपको सारे साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, ठीक है, अभी हम बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन और सबका कंट्रीब्यूशन देखेंगे। तो इस चैप्टर में लर्निंग वर्क थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस चैप्टर्स। प्रीवियस चैप्टर्स में हमने लर्निंग तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करी, हालांकि एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में भी बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम हमने देखे थे। इस चैप्टर में हमारा मेजर फोकस थ्योरेटिकल पार्ट पे ही रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू प्राउस्ट ऑल द एलिमेंट्स आर एग्रीगेशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑल द एलिमेंट्स आर All the elements are aggregation of hydrogen. ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसका एग्रीगेशन है, हाइड्रोजन एटम का एग्रीगेशन है। इसलिए उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी किसके साथ मैच करेंगी, हाइड्रोजन के साथ। एंड देयर प्रॉपर्टीज आर and their properties are integral multiple of hydrogen। ठीक है, तो प्राउस्ट ने ये बात कही थी और ये बात बिल्कुल ही गलत थी, इसलिए इस बात को हमने डिस्कार्ड कर दिया। तो इसके बाद न्यू साइंटिस्ट आया जिसने और ज़्यादा थोड़ी सी रिसर्च करी और हमें एक नई बात बताई। तो ऐसे धीरे धीरे बिल्डअप होते होते हमें क्या मिला, अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिला, जिस पे हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे डिटेल में। तो इसके बाद कौन सा साइंटिस्ट आया, प्राउस्ट के बाद आया लेवोजियर। ठीक है, प्राउस्ट के बाद कौन आया, लेवोजियर। तो LAVOISER, ठीक है, आपको नाम याद रखने हैं विथ करेक्ट स्पेलिंग्स। तो लेवोजियर ने क्या बोला, तो इसको समझ लेते हैं एक बार। लेवोजियर ने ये बोला कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, कुछ होते हैं मेटल्स और कुछ होते हैं नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ये तो हमें आज भी पता है, लेकिन तब लेवोजियर ने ये बात बोली थी। ठीक है, तो मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है, दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, उनकी हैबिट है, उनकी हॉबी है, या ये कह लो उनकी करेक्टरिस्टिक है कि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, इसलिए उनके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। और जो नॉन मेटल्स होते हैं दे टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो उनके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। तो लेवोजियर ने सिर्फ इतनी सी बात बोली थी। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं पहले। यहां पे आप एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मेंशन कर सकते हो कि लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों कहा जाता है, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बताया था। एंड इसके अलावा लेवोजियर ने सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है, तो साइंस की फील्ड में इसका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो
that he classified the elements into two categories. दो कैटेगरी में उसने क्लासिफाई किया, कौन कौन सी? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. और किस बेसिस पे किया? ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था. तो ऑन द बेसिस ऑफ their tendency, on the basis of their tendency to lose or gain electrons. ठीक है, कि कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसके बेसिस पे उसने क्या किया, मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासिफाई किया. तो आप चाहो तो यहां पे लिख भी सकते हो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो मेटल्स के बारे में उसने क्या बोला, कि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं. ठीक है, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं. ओके, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब tend to lose electron, ये electron देना पसंद करते हैं, और non metals electron लेना पसंद करते हैं, तो tend to gain electrons. ठीक है, अब आज की डेट में तो हमें पता ही है. तो example के तौर पे आप sodium का example लिख सकते हो, कि sodium क्या करता है, electron lose करके Na plus बना लेता है. और नॉन मेटल्स जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन बना लेता है. ठीक है, तो आप एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हो ताकि आपको इजीली याद रहे. अब ये डिस्कार्ड क्यों हो गया था, क्योंकि अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो इसने हमें सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बताया, इसने हमें मेटलॉइड्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया. और हमें पता ही है कि मेटलॉइड्स भी होते हैं, तो इसलिए इसका जो मॉडल है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, वो क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया. तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, This was discarded after the discovery of metalloids. ठीक है, जो भी इसने हमें concept बताया, theory बताई, तो आप लिख सकते हो that this was discarded after the discovery of metalloids. मेटलॉइड्स की डिस्कवरी के बाद लेवोजियर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो गया था, डिस्कार्ड हो गया था. तो इसके बाद क्या हुआ, इसने हमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में तो बताया, लेकिन मेटलॉइड्स के बारे में नहीं बताया. तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट साइंटिस्ट है, दैट इज डॉबिनियर. तो डॉबिनियर के बारे में हमें नेक्स्ट पढ़ना है, तो यहां पर आप लिख सकते हो थर्ड इज डॉबिनियर. ठीक है, और डॉबिनियर ने जो डिस्कवरी की थी उसे बोलते हैं डॉबिनियर्स ट्राइड्स. ठीक है, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आएंगे लिखेंगे उसके बाद कि इसने क्या बोला था. तो डॉबिनियर ट्राइड्स का मतलब क्या है, अब ट्राइड से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ट्राइड मतलब क्या होता है, तीन. तो डॉबिनियर ने क्या किया था, एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, तीन एलिमेंट्स एक ग्रुप में, फिर तीन एलिमेंट दूसरे ग्रुप में, फिर तीन एलिमेंट तीसरे ग्रुप में, ऐसे इसने हमें बहुत सारे ग्रुप्स दिए थे. तो डॉबिनियर ने एलिमेंट्स को तीन ग्रुप में डिवाइड किया था, और क्या बोला था, कि जो मिडल एलिमेंट है, मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, दैट इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट्स. दैट मींस अगर तीन एलिमेंट्स हैं, सपोज ए बी एंड सी, तो मिडल में क्या आएगा, एलिमेंट बी. तो बी वाले का जो एटॉमिक मास है वो ए और सी के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल होगा. ये हमें किसने बताया था, डॉबिनियर ने. तो इसकी भी स्टेटमेंट हम एक बार लिख लेते हैं, एंड देन वी विल सी कि इसने हमें कौन कौन से ट्राइड्स दिए थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल
यहाँ पे आप लिख सकते हो, कभी कभी एग्जाम में ट्राइड की डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दैट ही अरेंज द एलिमेंट्स, ही अरेंज द एलिमेंट्स इंटू ग्रुप ऑफ थ्री, ठीक है, ग्रुप ऑफ थ्री नोन एज ट्राइड. इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्राइड्स बोलते हैं, ठीक है. ट्राइड में अरेंज करने के बाद उसने हमें क्या बात बोली थी, दैट यहां पे आप ऐड कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हिम एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, ठीक है, मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट्स, इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट्स. ठीक है, प्रेजेंट इन द ट्राइड, ट्राइड में जो बाकी के दो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनके एवरेज के बराबर होगा मिडल एलिमेंट का मास. ठीक है, तो इसने हमें कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी थी. अब हम देख लेते हैं कि इसने हमें कौन कौन से ट्राइड्स दिए थे, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए. ठीक है, अब ये जो ट्राइड्स हम लिखने जा रहे हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं. सपोज आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में चार चॉइसेस दे दी, और उसमें हर चॉइस में आपको तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप दे दिया, और उसमें आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ कौन सा डोमिनेंट ट्राइड नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है. तो सबसे पहला ट्राइड था इसका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं. लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 7, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, और पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39. ठीक है, आपको ये मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है सबके एटॉमिक मासेस, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहां पे बता रही हूं. अदरवाइज आपको एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कैलकुलेट करके बताओ. ठीक है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो आप यहां पे देख सकते हो कि मिडल में कौन आ रहा है, सोडियम, तो मुझे लिथियम और पोटेशियम का क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक मास का एवरेज निकालना पड़ेगा. और दो चीजों का एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 7 प्लस 39, और किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, क्योंकि दो ऑब्जर्वेशन है. तो कितना आ जाएगा, 7 प्लस 39 46, डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 23. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये इसके इक्वल आ रहा है. तो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट ट्राइड. जो इसका सेकेंड ट्राइड था तो उसको भी देख लेते हैं हम. इसने हमें वैसे बहुत सारे ट्राइड्स दिए थे, तो वन बाय वन हम लिख लेते हैं सबके बारे में, क्योंकि अगेन एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा ट्राइड डोमिनेंट ट्राइड है और कौन सा नहीं है. तो सेकंड ट्राइड में क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. तो इसके लिए भी हम देख लेते हैं, बेरिलियम का मास कितना होता है, 9, मैग्नीशियम का 24 एंड कैल्शियम का 40. तो दिस इज 9, 24, 40. आप इसके लिए भी चेक कर सकते हो, 9 प्लस 40 डिवाइड बाय 2, 9 प्लस 40 कितना होता है, 49, एंड 49 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 24.5. ठीक है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली क्या आ रहा है, मैग्नीशियम के मास के इक्वल आ रहा है. हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए. ठीक है, तो दीज आर फर्स्ट टू ट्राइड्स. सेकेंड, नेक्स्ट ट्राइड है हमारा कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम. ठीक है, दिस इज थर्ड ट्राइड. इसके बाद है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम. ठीक है, एंड देन
Then we have chlorine, bromine, iodine. And last में seventh triad है हमारे पास iron, cobalt, nickel. Okay? आप चाहो तो इनके atomic mass भी लिख लो यहाँ पे. Calcium का atomic mass कितना है? हमें पता ही है 40 हो तक. तो 40, 88 and barium is 137. ठीक है? हम first two के लिए already calculate करके देख चुके हैं, तो हमें बाकी सब के लिए calculate करने की ज़रूरत नहीं है. हम यहाँ पे सिर्फ अपनी convenience के लिए atomic mass लिख रहे हैं. आप चाहो तो इसको calculate करके देख सकते हो. ठीक है? This is 120. Sulfur is 32. Selenium is 79. Tellurium is 127. Chlorine is 35.5. ठीक है? ये तो हमें पता ही है chlorine का. Bromine is 80. Iodine is 127, ठीक है, then iron, cobalt, nickel, iron, cobalt, nickel का जो mass है, तीनों का mass approximately equal होता है, around 58 something होता है, ठीक है, 58.5, तो वो हमें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप additionally यहाँ पे एक exception लिख लो, क्योंकि Daubigny ने हमें जो triads दिए थे, यहाँ पे एक exception भी था, तो आपसे कभी-कभी exam में exception भी पूछ सकते हैं, तो let's write down the exception here, this is important. तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन. तो यहाँ पे क्या एक्सेप्शन है? फ्लोरीन का मास है 19, क्लोरीन का मास है 35.5 और ब्रोमीन का मास है 80. अब आप 19 को 80 से ऐड करते हो और 2 से डिवाइड करते हो, तो आपके पास आएगा 99 डिवाइड बाय 2, विच इज इक्वल टू 49.5. और आप यहाँ से देख सकते हो कि मिडल एलिमेंट का मास आना कितना चाहिए 49.5, लेकिन आ कितना रहा है 35.5, यानी कि ये Daubigny ट्राइड नहीं है. हालांकि इसको होना चाहिए था क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स है, तो ये Daubigny की एक्सेप्शन है. तो दीज आर फर्स्ट थ्री साइंटिस्ट जिन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था. नाउ लेट अस मूव टू द फोर्थ साइंटिस्ट. फोर्थ साइंटिस्ट वॉज न्यूलैंड्स, ठीक है, और न्यूलैंड ने हमें दिया था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. न्यूलैंड्स, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी इजी है कंपैरेटिवली, तो इसने हमें दिया था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. अब यहाँ पे ऑक्टेव्स का क्या मतलब है? ऑक्टा मीन्स तो हमें पता ही है क्या होता है. ऑक्टा मीन्स होता है एट, ठीक है. तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बेसिकली क्या है? आपने, आपको पता होगा कि जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं वो सेवन म्यूजिकल नोट्स होते हैं, सारे गामा पाधा नीसा. तो सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और फिर से सा, यानी कि जो एट्थ नोट है वो फर्स्ट नोट से क्या कर रहा है? मैच कर रहा है. फर्स्ट पोजीशन पे भी सा आ रहा है और लास्ट पोजीशन पे भी सा आ रहा है. तो न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था, एक्चुअली उसको जो आइडिया मिला वो म्यूजिकल नोट से मिला. उसने क्या सोचा? जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करते हैं. अब ये पहला साइंटिस्ट था जिसने एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज करने का सोचा, क्योंकि इससे पहले किसी भी साइंटिस्ट ने एटॉमिक मास के बारे में नहीं सोचा था. तो न्यूलैंड वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने ये सोचा कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती हैं? उनके एटॉमिक मास पे. तो न्यूलैंड ने क्या किया? उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल थे सबको उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया, और उसने ये देखा कि हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है? फर्स्ट एलिमेंट से. जैसे कि म्यूजिकल नोट्स में जो आठवां नोट है वो किससे मैच कर रहा है? फर्स्ट नोट से. इसलिए न्यूलैंड ने उनको एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया, और उसने देखा कि हर एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी इज मैचिंग विद द फर्स्ट एलिमेंट. सो दैट इज द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दैट न्यूलैंड वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट. ये एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार कि पहला साइंटिस्ट कौन था जिसने एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था, और जिसने ये बोला था कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है, तो वो साइंटिस्ट कौन था? न्यूलैंड. तो ये आपको याद रखना है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं. तो न्यूलैंड वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट. न्यूलैंड वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट who gave the idea that who gave the idea that periodic properties
of the elements. जो एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं आर रिलेटेड विद देयर एटॉमिक मास, आर रिलेटेड विद एटॉमिक मास. ठीक है, ऑफ द एलिमेंट्स. ठीक है, तो ही वाज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने हमें यह बताया था कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किससे रिलेटेड होती हैं, उनके एटॉमिक मास से. और उसने ये क्या बोला था, एडिशनली उसने एक बात और बोली थी, तो आप यहां पे लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू हिम व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. ठीक है, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो क्या होता है, देन एट्थ एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, देन एवरी एट्थ एलिमेंट, देन एवरी एट्थ एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, every eighth element starting from the first, ठीक है, will have similar properties to first element, will have, same बात मैं आपको already बता चुकी हूं, बस अब हम लिख रहे हैं, will have similar properties, will have similar properties to first element. फर्स्ट एलिमेंट. ठीक है, जस्ट लाइक म्यूजिकल नोट्स. ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो लाइक म्यूजिकल नोट्स, क्योंकि उसने जो आइडिया लिया था वो किससे लिया था, म्यूजिकल नोट से लिया था. ओके, तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, क्योंकि जो आपके थ्योरेटिकल एग्जाम्स होते हैं उसमें न्यूलैंड की और लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आपसे पूछा जाता है. तो न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव एक्चुअली यहां से लेकर यहां तक है. ये जो मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखवाई है That is not included in the law. तो आपको यहाँ पे दो points mark करके आप इसको लिख सकते हो. ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि these are two separate things. अब जो musical notes होते हैं, जैसे कि मैं आपको already बता चुकी हूँ, तो आप यहाँ पे अपने idea के लिए लिख लो क्या होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी और last में क्या आ जाता है, सा. तो आप यहां से देख सकते हो कि ये क्या है मेरा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट्थ पोजीशन पे फिर से क्या आ गया, सा आ गया. फर्स्ट पोजीशन पे क्या था, सा, और एट्थ पोजीशन पे भी क्या है, सा. तो एट्थ एलिमेंट यानी कि एट्थ म्यूजिकल नोट किसके साथ मैच कर रहा है, फर्स्ट म्यूजिकल नोट के साथ. ठीक है, तो एट्थ म्यूजिकल नोट किसके साथ मैच कर रहा है, फर्स्ट म्यूजिकल नोट के साथ. इसलिए न्यूलैंड ने क्या बोला कि एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी किसके साथ मैच करेगी, फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी के साथ. तो यहां पे हम लिख लेते हैं कि उसने हमें किस तरीके का अरेंजमेंट दिया था, तो ये भी हमें पता होना चाहिए. तो ही स्टार्टेड विथ लिथियम, देन बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. ठीक है, और इसके बाद यहां पे सोडियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और लास्ट में कैल्शियम. ठीक है, तो न्यूलैंड ने जो अरेंजमेंट दिया था वो कुछ इस तरीके का दिखता था. उसने सेवन एलिमेंट्स को एक ही रो में रखा था, एट्थ एलिमेंट को फर्स्ट के नीचे रखा था, क्योंकि एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी किसके साथ मैच कर रही है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ. तो आप यहां से देख सकते हो, अगर इसको मैं वन मान रही हूं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट्थ पे क्या है, सोडियम. और हमें पता ही है कि सोडियम की प्रॉपर्टी किसके साथ मैच करती है, लिथियम के साथ. लेकिन अगर आप सपोज यहां से स्टार्ट कर रहे हो तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो बोरोन के नीचे क्या आ रहा है, एल्यूमिनियम. और हमें पता है कि बोरोन की प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम के साथ मैच करती है, क्योंकि वो सेम ग्रुप में आते हैं. ठीक है, हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ऑलरेडी ये बात पता है.
फाइन, तो न्यूलैंड का जो अरेंजमेंट था वो कुछ इस तरीके से था। अब चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, सोडियम का कितना होता है 11, तो दोनों में कितना गैप है 8 का गैप है, 11 - 3 = 8। सिमिलरली पोटेशियम का कितना होता है 19, तो अगेन 19 - 11 कितना होता है 8। लेकिन रुबीडियम जो इसके नीचे आता है, ये मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से आपको बता रही हूं, जो इसके नीचे रुबीडियम आता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 37। ठीक है, अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे 8 का गैप नहीं है, यहां पे 18 का गैप है। इसलिए न्यूलैंड का जो क्लासिफिकेशन था वो क्या हो गया, इसके बाद फेल हो गया था। तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स है जो हमें याद रखने हैं, हम उसको लिख भी लेंगे वन बाय वन। पहले आप इनको समझ लो कि न्यूलैंड के क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। तो पहला ड्रॉबैक ये था कि इसने जो अरेंजमेंट किया था वो सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड था। ठीक है, कैल्शियम के बाद वो अरेंजमेंट वैलिड नहीं था। आप यहां से देख सकते हो कि कैल्शियम के बाद जब दूसरी रो स्टार्ट होगी तो पोटेशियम के बाद क्या आएगा, रुबिडियम। अब न्यूलैंड के अकॉर्डिंग ये एलिमेंट 8th नंबर पे आना चाहिए था, बट इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 18 का गैप है। ये मैं एटॉमिक नंबर्स लिख रही हूं, ठीक है। उसने जो अरेंजमेंट किया था वो एटॉमिक मास के बेसिस पे किया था, लेकिन आपको सिर्फ इतना समझाने के लिए कि सबके बीच में 8-8 का गैप है, बट यहां पे 8 का गैप नहीं है, इसलिए मैं आपको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बता रही हूं। ओके, तो इसका सबसे पहला ड्रॉबैक यही था कि ये सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड था। दूसरा ड्रॉबैक इसका ये था, आप देख सकते हो हमें पता है कि फ्लोरीन के बाद नियॉन आता है, क्लोरीन के बाद आर्गन आता है, तो इसने नोबल गैसेस के लिए कोई भी पोजीशन वहां पे नहीं छोड़ी थी, क्योंकि उस टाइम पे जब न्यूलैंड ने क्लासिफिकेशन किया था तो उस टाइम पे नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, तो इसने उनके लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ी थी। तो ये ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। और लास्ट ड्रॉबैक ये था कि इसका जो लॉ था वो सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए वैलिड था। आप देख सकते हो कि ये सारे लाइटर एलिमेंट्स हैं, जैसे हम आगे जाते जाते हैं वो हैवियर एलिमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइटर और हैवियर से हमारा मतलब है एटॉमिक मास के बेसिस पे, तो ये सारे लाइटर एलिमेंट्स हैं क्योंकि स्टार्टिंग में आ रहे हैं, तो इन तक तो ये लॉ वैलिड था, लेकिन इसके बाद वो लॉ एप्लीकेबल नहीं था। तो अब हम यहां पे इसके ड्रॉबैक्स लिखेंगे, तो लेट अस राइट डाउन द ड्रॉबैक्स, क्योंकि एग्जाम में ड्रॉबैक्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला ड्रॉबैक यही है इसका, दैट हिज लॉ वॉज वैलिड अप टू कैल्शियम ओनली, His law was valid up to calcium only. सिर्फ कहां तक valid था, calcium तक valid था, okay? Secondly, इसने noble gases के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी, तो यहां पर आप लिख सकते हो that inert gases और noble gases were not discovered. ठीक है, inert gases या noble gases, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, सो नो पोजिशन वॉज गिवन टू दैम, सो नो पोजिशन वॉज गिवन टू दैम। इसने नोबल गैस को कोई भी पोजिशन नहीं दी थी, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इसका जो लॉ था वो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल था, सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था। तो लास्ट में हम यही लिख ले देंगे, दैट इट वर्क्स ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसका जो लॉ था वो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल था, लाइटर एलिमेंट्स के लिए। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट भी था, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि न्यूलैंड वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने हमें यह बताया था कि एलिमेंट की जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो किससे रिलेटेड होती हैं, उनके एटॉमिक मास से रिलेटेड होती हैं। ओके, सो न्यूलैंड के बाद हमारा एक और साइंटिस्ट आया जिसने हमें नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दी। तो न्यूलैंड के बाद जो हमें फिफ्थ क्लासिफिकेशन पढ़नी है, दैट इज लोथर मेयर क्लासिफिकेशन। तो दिस इज लोथर मेयर क्लासिफिकेशन। अब लोथर मेयर ने क्या किया था, लोथर मेयर ने एलिमेंट्स की एटॉमिक वॉल्यूम्स फाइंड आउट की थी, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो लोथर मेयर ने क्या किया था, वॉल्यूम फाइंड आउट करी थी, कैसे, मास अपॉन डेंसिटी को डिवाइड करके।
तो सॉलिड स्टेट की हेल्प से, सॉलिड की हेल्प से उसने क्या किया था, डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मास की, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का एटॉमिक मास कैलकुलेट किया था, बिकॉज उसने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को क्या किया था, सॉलिड में लिया था, उसका मास कैलकुलेट किया था, डेंसिटी कैलकुलेट करी थी, और मास और डेंसिटी को जब आप डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आता है, एटॉमिक वॉल्यूम आता है. तो उसने एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम का एक ग्राफ बनाया था एटॉमिक वॉल्यूम कैलकुलेट करने के बाद, और उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस नोट डाउन करी थी. तो उन ऑब्जर्वेशंस के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम लिख लेते हैं कि इसकी जो क्लासिफिकेशन थी वो कौन से बेसिस पे थी. तो वी विल जस्ट राइट हियर दैट लॉथर मेयर कैलकुलेटेड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट्स. लॉथर मेयर कैलकुलेटेड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट्स लॉथर मेयर कैलकुलेटेड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट्स. ठीक है, उसने एटॉमिक वॉल्यूम कैलकुलेट करी थी बाय डिवाइडिंग देयर एटॉमिक मास विद डेंसिटी. By dividing their atomic mass with density. ठीक है, उसने क्या किया था, atomic mass को density से divide किया था in solid state. क्योंकि हम डेंसिटी किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, वैसे तो हम किसी भी स्टेट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट के लिए जब हम डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो थोड़ा सा क्या होता है, हमारे लिए इजी हो जाता है. ओके, तो बेसिकली उसने क्या किया था, डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता ही है. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज मास डिवाइड बाय वॉल्यूम. तो अगर मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज. तो एटॉमिक वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एटॉमिक वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइड बाय डेंसिटी. ठीक है, एटॉमिक मास को किससे डिवाइड करेंगे, उसकी डेंसिटी से डिवाइड करेंगे. तो इस तरीके से उसने एटॉमिक वॉल्यूम कैलकुलेट किया, और इसके बाद उसने एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास का एक कर्व बनाया. ठीक है, और उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस नोट डाउन करी. तो यहां पे आप लिख सकते हो, देन ही प्लॉटेड एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास. एटॉमिक वॉल्यूम को एटॉमिक मास के साथ उसने प्लॉट किया एंड ऑब्जर्व्ड द फॉलोइंग. उसने क्या क्या ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करी, तो वो सब हमें पढ़नी है. सो लेट अस सी क्या क्या ऑब्जर्वेशंस है. तो पहले हम एक बार ग्राफ देख लेते हैं कि किस तरीके का ग्राफ मिला उसको, उसके बाद हम इसकी ऑब्जर्वेशंस को नोट डाउन करेंगे. ठीक है, तो हम वाई एक्सिस पर लेंगे एटॉमिक वॉल्यूम और एक्स एक्सिस पर लेंगे एटॉमिक मास. ठीक है, तो y एक्सिस पर हम एटॉमिक वॉल्यूम लिख रहे हैं और x एक्सिस पर लिखेंगे एटॉमिक मास. ठीक है, अब यहां पे जो आपको प्लॉट मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा. ठीक है, कुछ इस तरीके का प्लॉट मिलेगा. अब यहां पर ये जो उसने ग्राफ प्लॉट किया है, तो इस ग्राफ में उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस नोट डाउन करी थी, वो सारी ऑब्जर्वेशंस हमें पढ़नी है. लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो वेव लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, इसके जो हाईएस्ट पॉइंट्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं. हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी इसको डिस्कस किया था कि जो भी हमारी वेव होती है उसके टॉप पॉइंट्स को हम क्रेस्ट बोलते हैं और लोअर पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं. तो ये आपको याद रखना है. अब यहाँ पे मेंशन करने के लिए हम लिख लेते हैं कि कहां पर कौन सा एलिमेंट आया था. ठीक है, यहां फर्स्ट पे था लिथियम, इस टॉप पे था सोडियम और इस टॉप पे था पोटेशियम. तो सबसे पहली बात तो उसने यही नोट करी कि जितने भी क्रेस्ट हैं
उस पे क्या है हमारे एल्कली मेटल्स, लिथियम सोडियम और पोटेशियम को क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स बोलते हैं। तो क्रेस्ट के टॉप पर क्या आ रहे थे, एल्कली मेटल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है हमारा बेरिलियम, यहाँ पर है हमारा मैग्नीशियम और यहाँ पर है हमारा फ्लोरीन, ठीक है। तो इसके लिए उसने क्या नोट किया कि बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहाँ आ रहे हैं, जब आपका क्रेस्ट जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, डिसेंड कर रहा है। तो जब आपका क्रेस्ट डिसेंड करेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि लिथियम टॉप पॉइंट पे है और जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या आ रहा है यहाँ पे, बेरिलियम जो कि एक एल्कलाइन अर्थ मेटल है। सिमिलरली जब आप सोडियम से नीचे की तरफ आ रहे हो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मैग्नीशियम। तो ये हमारा जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो कौन सी साइड पे आ रहे हैं, जहाँ पे हमारे क्रेस्ट क्या कर रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। और जहाँ पे क्रेस्ट इंक्रीज हो रहा है यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, वहाँ पे क्या आते हैं हमारे हैलोजन्स। हैलोजन्स क्या होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। नाउ वी विल राइट डाउन द ऑब्जर्वेशंस कि उसने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस देखी थी, बिकॉज हमें ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो लेट अस राइट डाउन द ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो थी That was similar elements occupy similar position in the curve. जो similar elements होंगे वो curve में similar position occupy करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि Daubigny के ट्राइड में भी lithium, sodium और potassium आ रहे थे, फिर Newland के octave में भी lithium के नीचे क्या आ रहा था, sodium, और sodium के नीचे क्या आ रहा था, potassium। तो यानी कि ये similar elements हैं। और आप यहाँ पे graph में ध्यान से देखो कि ये सारे कहाँ पर हैं, crest के top पर हैं। तो ये भी क्रेस्ट के टॉप पर है, ये भी क्रेस्ट के टॉप पर है और ये भी क्रेस्ट के टॉप पर है। तो ये सिमिलर एलिमेंट्स हैं और इनकी पोजीशन भी क्या है, एकदम सिमिलर है। तो दिस वाज द वेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट सिमिलर एलिमेंट्स ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन इन द कर्व, ठीक है। सिमिलर एलिमेंट्स ऑक्यूपाई सिमिलर पोजिशन इन द कर्व, ओके। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या थी, सेकेंड ऑब्जर्वेशन वॉज कि जो भी एल्कली मेटल्स हैं, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एल्कली मेटल्स क्रेस्ट के कहां पर होंगे, टॉप पर होंगे। तो यही उसकी सेकेंड ऑब्जर्वेशन थी। तो एल्कली मेटल्स ऑक्यूपाई, एल्कली मेटल्स ऑक्यूपाई क्रेस्ट, क्रेस्ट यानी कि टॉप, ठीक है। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो क्रेस्ट ऑफ कर्व, कर्व का जो क्रेस्ट है वो पोजिशन ऑक्यूपाई करेंगे। थर्ड इज जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, दे ऑक्यूपाई पोजिशन इन द मिडल ऑफ डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व। तो जो डिसेंडिंग पोर्शन है कर्व का, उसके मिडल में कौन प्रेजेंट है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको भी लिख लेते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑक्यूपाई पोजिशन इन द मिडल, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑक्यूपाई पोजिशन इन द मिडल ऑफ डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ कर्व, इन द मिडल ऑफ डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व, ठीक है। कर्व का जो डिसेंडिंग पोर्शन होगा उसके मिडल में कौन प्रेजेंट होंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप याद रखो कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। इसके अलावा उसने क्या ऑब्जर्वेशन देखी थी, इसके अलावा हैलोजन्स के बारे में उसने बताया था कि हैलोजन्स असेंडिंग पोर्शन के मिडल में प्रेजेंट है। जैसे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स डिसेंडिंग पोर्शन के मिडल में है, उसके बिल्कुल सामने असेंडिंग पोर्शन यानी कि जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जैसे यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि असेंडिंग पोर्शन के मिडल में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैलोजन्स के बारे में, हैलोजन्स ऑक्यूपाई पोजिशन इन द असेंडिंग पोर्शन, हैलोजन्स ऑक्यूपाई पोजिशन इन द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व,
ठीक है। कर्व के असेंडिंग पोर्शन के मिडल में कौन प्रेजेंट है? हेलोजेंस। लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या दी थी उसने? ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में। ट्रांजिशन मेटल्स कर्व के कहां पे प्रेजेंट है? बॉटम पे। यहां पे मैंने ट्रांजिशन मेटल्स नहीं दिखाए हैं क्योंकि अभी हमने ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में पढ़ा नहीं है, तो आपको इतना आइडिया नहीं होगा कि ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं। तो अभी के लिए हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, बाद में जब हम डिटेल में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझेंगे तब वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्यूपाई पोजिशन एट द बॉटम ऑफ द कर्व। ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्यूपाई पोजिशन एट द बॉटम ऑफ द कर्व, ठीक है। कर्व के बॉटम पर कौन प्रेजेंट होंगे? ट्रांजिशन मेटल्स। तो ये सारी पोजिशंस आपको याद रखनी है कि टॉप पर क्या है, बॉटम पर क्या है, असेंडिंग पोर्शन के मिडल में क्या है, डिसेंडिंग पोर्शन के मिडल में क्या है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हालांकि न्यूलैंड ने हमें ये बात सबसे पहले बोल दी थी कि एलिमेंट्स की जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके एटॉमिक मास पर डिपेंड करती हैं, लेकिन लोथर मेयर ने इस ग्राफ के थ्रू, इस कर्व के थ्रू ये प्रूव भी किया था कि एलिमेंट की एटॉमिक वॉल्यूम किस पर डिपेंड कर रही है? एटॉमिक मास पे। और एटॉमिक वॉल्यूम भी एक तरह की फिजिकल प्रॉपर्टी है, राइट? एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती हैं। एटॉमिक वॉल्यूम, डेंसिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी, ये सारी प्रॉपर्टीज हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। आज की क्लास में तो हम सिर्फ पीरियोडिक टेबल पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल पे इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, हम सिर्फ डिस्कवरीज पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर पे जो मेजर क्वेश्चंस आएंगे वो प्रॉपर्टीज पर ही आएंगे, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर में, तो वो सारी प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लोथर मेयर ने इस बात को प्रूव भी कर दिया कि जो एटॉमिक वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एटॉमिक मास पे। न्यूलैंड ने ये बात सिर्फ बोली थी, लेकिन लोथर मेयर ने क्या किया था? प्रूव किया था। तो यहां पे हम इसकी एक तरीके से एडवांटेज ही हो गई, ठीक है। तो यहां पे इसकी एडवांटेज लिख लेते हैं, या फिर एडवांटेज को मेरिट भी बोलते हैं। मेरिट मतलब प्लस पॉइंट। तो हम यहां पे इसके एडवांटेज क्या लिखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ अबव कर्व, ऑन द बेसिस ऑफ अबव कर्व। अबव कर्व से मेरा मतलब है ये वाला कर्व, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस गिवन कर्व ही कंक्लूडेड दैट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। क्या कंक्लूड किया था उसने? ही कंक्लूडेड दैट periodic properties of the elements, periodic properties of the elements elements की जो periodic properties होंगी are function of atomic mass, are function of, function मतलब वो किस पर depend कर रही हैं, ठीक है, आर फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। बिकॉज एटॉमिक वॉल्यूम एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आप यहां पे ऐड कर सकते हो बिकॉज एटॉमिक वॉल्यूम इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, बिकॉज एटॉमिक वॉल्यूम इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये इसकी एडवांटेज थी, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज भी थी, यानी कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी था। तो वो ड्रॉबैक क्या था? अब इसने क्या किया था, इसने हर एलिमेंट के एटॉमिक वॉल्यूम को मेजर किया था, फिर उसके एटॉमिक मास के साथ उसको प्लॉट किया था, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स हैं, हम हर एक की वॉल्यूम को मेजर करके, हर एक के मास को मेजर करके फिर प्लॉट करेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ही टीडियस टास्क है, टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसकी क्लासिफिकेशन की कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं थी। तो इसके ड्रॉबैक में हम लिख सकते हैं दैट इट डज नॉट हैव एनी प्रैक्टिकल यूटिलिटी, इट डज नॉट हैव एनी प्रैक्टिकल यूटिलिटी, इसकी कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं थी, ठीक है। तो यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था।
तो दिस वॉज ऑल अबाउट लॉथरमेयर क्लासिफिकेशन। इसमें हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है, तो यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू द सिक्स्थ क्लासिफिकेशन, एंड अगेन वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिक्स्थ क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ही हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया है। जो हम सिक्स्थ क्लासिफिकेशन अब पढ़ने जा रहे हैं उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके क्या बनाया गया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब हमें यहाँ पे सिक्स्थ क्लासिफिकेशन पढ़नी है, दैट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव ने क्या किया था, एलिमेंट्स को अगेन एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया था, ठीक है। तो मेंडलीव ने जो क्लासिफिकेशन बनाई थी उसमें भी एलिमेंट्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ही था, लेकिन इसकी जो क्लासिफिकेशन थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। इसने सारे एलिमेंट्स के लिए हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स बनाए थे, और हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्मूला के बेसिस पे इसने एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखा था। जिनके हाइड्राइड्स के फॉर्मूला सेम आ रहे थे, ऑक्साइड का फॉर्मूला सेम आ रहा था, तो उनको सेम ग्रुप में रखा था। तो उसके बेसिस पे इसने हमें क्लासिफिकेशन प्रोवाइड करी थी। तो पहले हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में लिख लेते हैं, दैट अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, मेंडलीव के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज थी वो अगेन किसका फंक्शन थी, एटॉमिक मास का। तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो इसमें भी जो एलिमेंट्स उसने अरेंज किए थे एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किए थे। अब इसका जो ओरिजिनल टेबल था जो इसने बनाया था उसमें 12 कॉलम्स थे और 7 रोज थी। 12 कॉलम्स, कॉलम्स क्या होते हैं, जो वर्टिकल होते हैं, ठीक है, जो खड़े हुए होते हैं, और लेटी हुई यानी कि हॉरिजॉन्टल क्या होती है, रोज होती हैं। तो स्टैंडर्ड कॉलम, स्टैंडिंग कॉलम्स यानी कि वर्टिकल कॉलम्स कितने थे, 12 थे, और रोज कितनी थी, 7 थी। लेकिन इसने बाद में क्या किया, उसको मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के बाद उसमें रोज तो अभी भी 7 थी लेकिन कॉलम्स कितने हो गए थे, कॉलम्स हो गए थे 9। 9 कैसे, 1 से लेके 7 तक, देन 8th ग्रुप था और लास्ट में क्या था, 0 ग्रुप था। तो 1 से लेके 7, तो 7 प्लस 1 8th वाला 8 और एक 0 वाला यानी कि 9। तो हम इसके बारे में भी लिख लेते हैं कि इसके ओरिजिनल टेबल में क्या था और फिर मॉडिफाइड टेबल में भी क्या था, क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। तो इन द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव, इन द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव, मेंडलीव का जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल था, ठीक है, मेंडलीव के ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में देयर वर 12 वर्टिकल कॉलम्स, देयर वर 12 वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स बोलते हैं। तो 12 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स, ठीक है, एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज कितनी थी, 7 थी, 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड्स। ठीक है, तो 7 वर्टिकल कॉलम्स जिन्हें हम ग्रुप्स बोलते हैं और 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, ये तो इसका ओरिजिनल फॉर्म था, लेकिन बाद में इसने क्या किया था, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। तो बट इन द मॉडिफाइड फॉर्म जो मॉडिफाइड फॉर्म थी मेंडलीव के टेबल की, देर वर 9 वर्टिकल कॉलम्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि 9 वर्टिकल कॉलम्स थे।
तो देयर वर 9 वर्टिकल कॉलम्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज. ठीक है, 9 वर्टिकल कॉलम्स थे और 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी. अब कैसे थी तो इसको भी हम देख लेते हैं. अभी मैंने आपको बताया कि मेंडेलीव का जो टेबल था उसी की हेल्प से हमने क्या किया था, उसी की हेल्प से हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था. तो आप एक सिमिलैरिटी यहां पे समझ सकते हो कि इसके जो वर्टिकल कॉलम्स थे उनका नंबर था फर्स्ट, सेकंड, रोमन न्यूमरल से शो किया था इसने, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और फिर सेवेंथ. ठीक है, यहां पे एट्थ ग्रुप था और लास्ट में था जीरो ग्रुप. ओके, अब ये जो स्टार्टिंग से 1 से लेके 7 तक ग्रुप्स थे इसको उसने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, ए और बी, यानी कि 1A, 1B, 2A, 2B. तो टोटल कितने हो गए, 7 तो ए हो गए, 7 बी हो गए, तो टोटल ये कितने हो गए, 2 × 7 यानी कि 14. तो 14 ग्रुप्स तो यही हो गए. और जो एट्थ ग्रुप था वो अकेला 3 ग्रुप्स को कवर कर रहा था, यानी कि 3 ग्रुप्स का मिलाकर उसने नाम क्या दे रखा था, 8 ग्रुप. और लास्ट ये एक जीरो ग्रुप था हमारे पास. ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 14 + 3 = 17 एंड 17 + 1 = 18. तो टोटल देयर आर 18 ग्रुप्स. और आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा होगा उसमें भी कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं. अभी थोड़ी देर बाद हम उसे ड्रॉ भी करेंगे. ठीक है, तो देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स. तो आप यहां से समझ सकते हो कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल है एक्चुअली में ये बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है. इसी टेबल की हेल्प से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया था. फाइन, अब हम वन बाय वन इसके मेरिट और डीमेरिट को समझेंगे. तो पहले हम इसके मेरिट्स की बात करते हैं. मेरिट्स मतलब होता है प्लस पॉइंट, एडवांटेजेस. ठीक है, तो मेरिट में सबसे पहला मेरिट इसका क्या था, उसने हमारी स्टडी को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया था. क्योंकि आप देख सकते हो अभी तक हमने जितनी भी क्लासिफिकेशन पढ़ी है सबसे बेटर क्लासिफिकेशन किसकी थी, मेंडेलीव की थी. उसने प्रॉपर ग्रुप्स बनाए थे, प्रॉपर पीरियड्स बनाए थे. तो इसलिए इसकी हेल्प से हमारी एलिमेंट्स की स्टडी क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा इजी हो गई थी. तो सबसे पहली एडवांटेज यही है इसकी, दैट ही सिंप्लीफाइड एंड सिस्टमेटाइज्ड. मतलब एक सिस्टम से पढ़ सकते थे हम, सिस्टमेटाइज्ड स्टडी ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, एलिमेंट्स की स्टडी को क्या कर दिया था, बहुत ही ज्यादा इजी कर दिया था. सेकंड एडवांटेज क्या थी, उसने कुछ खाली गैप छोड़ा था किसके लिए, उसने प्रिडिक्ट किया था कि फ्यूचर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे. हालांकि ये काम न्यूलैंड ने नहीं किया था, न्यूलैंड ने तो नोबल गैसेस तक के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ा था, लेकिन मेंडेलीव ने कुछ ऐसे एलिमेंट्स के लिए भी स्पेस छोड़ा था जो फ्यूचर में डिस्कवर हुए. तो उन एलिमेंट्स के नेम्स हमें पढ़ने हैं. तो देयर वर टोटल 4 एलिमेंट्स जिसके बारे में उसने प्रिडिक्शन किया था, एंड नॉट इवन एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज को भी उसने प्रिडिक्ट किया था, और जो कि बहुत हद तक क्या साबित हुई, बहुत हद तक सही साबित हुई. तो सेकेंड एडवांटेज इसकी यही है, दैट सम वैकेंट स्पेसेस Some vacant spaces left for discovery of new elements. ठीक है, नए एलिमेंट्स के लिए इसने क्या किया था, स्पेस छोड़ी थी, having similar properties. और अभी मैंने आपको बताया कि ना ही इसने सिर्फ एलिमेंट्स की डिस्कवरी को प्रिडिक्ट किया था बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज को भी प्रिडिक्ट किया था. इसने ये भी बता दिया था कि ये एलिमेंट कौन सी पोजीशन पर आएगा और इसकी प्रॉपर्टीज कौन से एलिमेंट के साथ मैच करेंगी. तो हम उन एलिमेंट्स के बारे में लिख लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा एलिमेंट था हमारा, इका सिलिकॉन, क्योंकि ये सिलिकॉन के नीचे था. हमें पता है कि सिलिकॉन के नीचे क्या होता है, जर्मेनियम होता है. तो एक्चुअली ये किसकी बात कर रहा था यहाँ पे, जर्मेनियम की. ठीक है, इका सिलिकॉन के बाद इका एल्यूमिनियम, इका एल्यूमिनियम क्या था हमारा, गैलियम. ठीक है, इका एल्यूमिनियम के बाद इका बोरोन,
ई का बोरोन क्या था मेरे पास? स्कैंडियम, ठीक है। और लास्ट में था ई का मैंगनीज, जो कि क्या था? टेक्नीशियम। ठीक है, तो ये इसने चार एलिमेंट्स प्रिडिक्ट किए थे। अब इनको याद रखने के लिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमें इस चैप्टर में मेमोराइज बहुत ज्यादा करना है, और मेमोराइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम हर जगह पे कुछ शॉर्ट ट्रिक समझेंगे। तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट ट्रिक है, यह आपको दिख रहा होगा, सिलिकन, जर्मेनियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, बी बोरोन से हमने बी लिया है, स्कैंडियम से एससी, मैंगनीज, टेक्नीशियम। ठीक है, तो यहां पे शॉर्ट फॉर्म क्या है? सिलिकन जर्मेनियम को हम क्या बना देंगे? सीता गीता, सीता गीता। ठीक है, एल्यूमिनियम और गैलियम, तो सीता गीता से अलग, सीता गीता से अलग है। ठीक है, बीएससी नहीं, एमटेक है। ठीक है, तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है जो आपको याद रखनी है, क्योंकि हमने इनके इनिशियल्स को यूज करके ही शॉर्ट फॉर्म बनाई है, तो आपको इजीली याद रहेगा। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। नाउ थर्ड एडवांटेज क्या थी इसकी? करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट्स। इसने बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को क्या किया था? करेक्ट किया था, करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स, करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को क्या किया था इसने? करेक्ट किया था। कैसे करेक्ट किया था? फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम की अगर हम बात करें, तो बेरिलियम का जो एटॉमिक मास है वो सोचा गया था कि कितना है, 13.5। जो पहले के साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला था कि बेरिलियम का एटॉमिक मास 13.5 है, लेकिन मेंडलीव ने इसको प्रूफ किया कि ये गलत है, और इसका जो एक्चुअल मास है वो कितना है? 9। और उसने इस बात को प्रूफ भी किया था। इसके अलावा भी उसने कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास करेक्ट किया था, जैसे कि यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो इन सारे ही एलिमेंट्स का एटॉमिक मास उसने क्या किया था? करेक्ट किया था। अब ये सारे एलिमेंट्स भी आपको याद रखने हैं, तो इसको याद रखने के लिए भी आप एक शॉर्ट ट्रिक लर्न कर सकते हो। यू से यू, ठीक है, बेरिलियम से बेईमान, यू बेईमान, इंडियम से इंसान, यू बेईमान इंसान। ठीक है, अब मान लो कोई बेईमान इंसान है, तो बेईमान इंसान क्या करेगा? चोरी करेगा। और किसकी चोरी करेगा? हमें पता ही है गोल्ड और प्लैटिनम क्या होता है, बहुत ज्यादा महंगा होता है। तो यू बेईमान इंसान गोल्ड प्लैटिनम, गोल्ड प्लैटिनम चुराता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो, यू बेईमान इंसान गोल्ड प्लैटिनम चुराता है। तो आपको ये सारे ही शॉर्ट फॉर्म्स याद रखनी है। तो दीज वर द मेरिट्स, ये उसके प्लस पॉइंट्स थे। नाउ लेट अस सी कि डीमेरिट्स क्या थे। नाउ सी मेंडेलीव टेबल के डीमेरिट्स क्या क्या थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो डीमेरिट था वो ये था कि ये हाइड्रोजन की पोजिशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। हाइड्रोजन की पोजिशन को क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाया था? क्योंकि इसने हाइड्रोजन को ग्रुप वन में रखा था, जिसमें हमारे एल्कली मेटल्स प्रेजेंट थे, लेकिन हाइड्रोजन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैलोजन से भी मैच करती हैं। तो जब इससे पूछा गया कि आपने हाइड्रोजन को ग्रुप वन में क्यों रखा, तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन। तो यही इसका सबसे पहला डीमेरिट था, दैट इज पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन वॉज नॉट फिक्स्ड। जो हाइड्रोजन की पोजिशन थी वो फिक्स्ड नहीं थी। तो पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन वॉज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, ये इसका सबसे पहला डीमेरिट था। सेकेंड डीमेरिट क्या था इसका? कि इसने आइसोटोप्स को एक सेपरेट जगह नहीं दी थी। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, हमने सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ा था आइसोटोप्स के बारे में, आइसो सीरीज पढ़ी थी हमने पूरी। तो आइसोटोप्स आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट होता है।
फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के लिए हमने पढ़ा था कि 1H1 होता है, 1H2 होता है, 1H3 होता है, जैसे कि प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम बोला जाता है। तो आइसोटोप्स को इसने डिफरेंट पोजीशन असाइन नहीं करी थी क्योंकि उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, और इसका जो टेबल था वो किस पे बेस्ड था, एटॉमिक मास पे बेस्ड था। तो आइसोटोप्स को उस हिसाब से डिफरेंट पोजीशन मिलनी चाहिए जो कि इसने नहीं दी थी। तो दिस वॉज द सेकेंड डीमेरिट दैट नो सेपरेट पोजिशन No separate position was given to isotopes. No separate position was given for isotopes. Isotopes को separate position नहीं दी गई, ठीक है। ये सारे demerits exam में पूछे जाते हैं। इसके बाद He could not explain the anomalous position for lanthanides and actinides. आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखा होगा कि लेंथेनाइड्स को और एक्टिनाइड्स को हम टेबल से बिल्कुल सेपरेटली नीचे रखते हैं। क्यों रखते हैं ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, उसका रीजन हम अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। तो दैट वॉज द थर्ड डीमेरिट, एनोमलस। एनोमलस का मतलब होता है एबनॉर्मल, जो चीज नॉर्मल नहीं होती। तो एनोमलस पोजिशन फॉर लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की जो एनोमलस पोजिशन थी वो इसने एक्सप्लेन नहीं करी थी। इनफैक्ट उनको एक पर्टिकुलर सही से पोजिशन नहीं दी थी, ठीक है। अब इसके अलावा जब इसने एटॉमिक मास ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया था तो इसने दो फैक्टर्स देखे थे। एक तो इसने एटॉमिक मास का ऑर्डर देखा था, दूसरा इसने प्रॉपर्टीज को भी देखा था। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसने हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स बनाए थे जिसके बेसिस पे इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तो जब इसने प्रॉपर्टीज को एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया तो उसका जो एटॉमिक मास का ऑर्डर था कुछ कुछ एलिमेंट्स के केस में वो एटॉमिक मास का ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया था। तो दैट इज द नेक्स्ट डीमेरिट, इनकरेक्ट पोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, इनकरेक्ट पोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, ठीक है। बहुत से एलिमेंट्स की पोजिशन क्या थी, इनकरेक्ट थी अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास। उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इनकी पोजिशन कैसी थी, गलत थी। अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास, ठीक है। अब वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी पोजिशन गलत थी वो भी आपको याद रखना है क्योंकि अगेन एग्जाम में ये पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आर्गन पोटेशियम, ठीक है, सबसे पहला पेयर है आर्गन एंड पोटेशियम, देन टेलूरियम एंड इंडियम, नेक्स्ट इज थोरियम एंड प्रोटेक्टियम। ये आपको याद नहीं रखने हैं क्योंकि ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इनका ऑर्डर था जो एटॉमिक मास का वो गलत था, ठीक है, ओके। तो हमें पता ही है कि आर्गन का जो मास होता है वो कितना होता है 40 और पोटेशियम का कितना होता है 39। तो इस हिसाब से पोटेशियम पहले आना चाहिए, लेकिन इसने पोटेशियम को कहाँ रखा, बाद में रखा। तो ये ऑर्डर कैसा है, गलत है, क्योंकि इसका टेबल एटॉमिक मास पे बेस्ड था तो इसको वो ऑर्डर फॉलो करना चाहिए था, बट इसने वो ऑर्डर फॉलो नहीं किया। अब इसको याद रखने के लिए आप एक शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हो, आर्गन पोटेशियम ए और आर, तो आप यहां से याद रख सकते हो आमिर खान। आमिर खान का नाम तो सुना ही होगा आपने, मूवीज भी देखी होंगी उसकी, ठीक है। तो आमिर खान तेरी इच्छा, आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी, ठंडा पेप्सी तो नहीं है, ठीक है, ठंडा पेप्सी, कोक नहीं, मतलब ठंडा पेप्सी है लेकिन कोक नहीं है। तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है, आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी है, कोक नहीं। तो दिस यू हैव टू मेमोराइज, ओके। लास्ट इसका जो डिमेरिट था दैट इज ही कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, ये पीरियोडिसिटी के कॉज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, ठीक है। अब पीरियोडिसिटी का क्या मतलब होता है वो डिटेल में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में समझेंगे। पीरियोडिक का मतलब ही क्या होता है,
कि जो काम बार बार एक रेगुलर इंटरवल के बाद हो रहा है उसे हम पीरियोडिक बोलते हैं। और पीरियोडिसिटी का यहाँ पे क्या मतलब है कि जब हम एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो कुछ टाइम बाद एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करने लगते हैं, ठीक है। तो वो हमें समझना है। यहाँ पे मेंडलीव उस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि एलिमेंट्स की जो ये प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं, ये जो पीरियोडिसिटी हमें देखने को मिल रही है, क्यों मिल रही है, तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन। इसके बाद लास्ट हमें क्या पढ़ना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी आपको समझ में आएगा। अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये किसी एक साइंटिस्ट का एफर्ट नहीं है, एक्चुअली 4 साइंटिस्ट ने मिलकर इसमें कंट्रीब्यूट किया था, इसलिए इट इज अ म्यूचुअल एफर्ट ऑफ 4 साइंटिस्ट। लेकिन जो सबसे पहला एफर्ट था वो मोजले का था। मोजले ने बेसिकली क्या किया था, मोजले ने एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन के साथ बम्बार्ड किया था, मतलब उसने एलिमेंट्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स थ्रो किए थे और इलेक्ट्रॉन्स थ्रो करने के बाद कुछ एक्सरेज निकली थी। उन एक्सरेज की फ्रिक्वेंसी को उसने क्या किया, मेजर किया, और उसने क्या देखा कि ये जो फ्रिक्वेंसी है ये हमारे एलिमेंट के एटॉमिक मास से नहीं बल्कि किस पे डिपेंड कर रही है, एटॉमिक नंबर पे। तो ये जो बेसिक आइडिया था कि अब तक हम सारी क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे कर रहे थे, एटॉमिक मास के बेसिस पे, लेकिन मोजले ने क्या बोला कि नहीं ये गलत है, हमें किसके बेसिस पे करना चाहिए, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो बेसिक आइडिया मोजले का था लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन था इस टेबल को बनाने में। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि मोजले ने क्या किया था। तो बेसिकली मोजले ने, सपोज ये कोई एलिमेंट है, ठीक है, ये हमसे नहीं पूछा जाता तो हम इसके बारे में नहीं लिख रहे हैं ज्यादा डिटेल में, बस आपके समझने के लिए कि एलिमेंट के ऊपर उसने इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड किया था। बम्बार्ड करने के बाद यहां से कुछ एक्सरेज निकली थी, ठीक है, उस एक्सरे की फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि हम ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो फ्रीक्वेंसी को उसने न्यू से डिनोट किया था। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है उसने क्या देखा था कि इस फ्रीक्वेंसी का जो स्क्वायर रूट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ना कि एटॉमिक मास पे। और उसने हमें एक इक्वेशन भी दी थी, दैट इज न्यू स्क्वायर रूट, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, ए ब्रैकेट में जेड माइनस बी, जहां पे जेड क्या है मेरा एटम का एटॉमिक नंबर और ए और बी कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। और इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड मोजलेस लॉ, इसी को हम मोजलेस लॉ बोलते हैं। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो यानी कि हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक मास पे नहीं, किस पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होगा, दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स नॉट देयर एटॉमिक मासेस। तो सबसे पहले हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, बिकॉज ये भी हमसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेसिकली क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन मोजलेस लॉ, ठीक है, ये मोजलेस लॉ पे बेस्ड है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन मोजलेस लॉ, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। यहां पे हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे, ये मोजलेस लॉ पे बेस्ड है एंड अकॉर्डिंग टू इट, और इसके अकॉर्डिंग एंड अकॉर्डिंग टू इट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, अकॉर्डिंग टू इट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, किसका फंक्शन है वो, एटॉमिक नंबर का, ना कि एटॉमिक मास का। आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर्स का क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है। अब इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है, अभी मैंने आपको बताया कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो सबसे पहले हम पीरियोडिसिटी के बारे में लिख लेते हैं कि बेसिकली पीरियोडिसिटी होती क्या है। तो पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, जब एक सर्टेन
इंटरवल के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या करने लगती हैं, रिपीट होने लगती हैं, इसी को हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं। तो रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, इसकी डेफिनेशन आप लिख लो यहां पे, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स after certain regular interval of time, प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, खुद को रिपीट करती हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। अब जो मेंडलीफ का टेबल था वो पीरियोडिसिटी के कॉज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसको एक्सप्लेन करता है। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, ये हमसे एग्जाम में पूछते भी हैं। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। जब आप एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करते हो, तो वो सारे एलिमेंट्स जो एक साथ एक ग्रुप में आ रहे हैं, उन सारे एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, सिमिलर होती है। बहुत ही ज़्यादा नहीं, मतलब एग्जैक्टली सिमिलर होती है, ठीक है। तो जब एलिमेंट्स आप एक ग्रुप में प्लेस कर रहे हो, तो सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिमिलर, तो सबकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सिमिलर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। तो यहाँ पे कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी आप लिख सकते हो, रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी इज रिपीटेशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। तो क्या रीजन है इसका, रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी इज रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नॉट प्रॉपर्टीज, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद प्रॉपर्टीज क्या करेंगी, खुद को रिपीट करेंगी, क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, सिमिलर है। तो दिस इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। अब चलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे कि हमारा टेबल दिखता कैसा है। तो हम यहाँ पे कुछ देर बाद पूरा का पूरा टेबल ड्रॉ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लिख लेते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 रोज होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स, और टोटल 18 कॉलम्स होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। तो हेयर वी कैन राइट डाउन दैट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज, 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, और इनकी नंबरिंग कैसे होती है, 1 से लेके 7 तक, 7 हॉरिजॉन्टल रोज नंबर्ड फ्रॉम 1 to 7, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नोन एज पीरियड्स, इन्हें हम पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स, 18 वर्टिकल कॉलम्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18, इसकी नंबरिंग कैसे है, 1 से लेके 18 तक, तो नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18, नोन एज, बोलते क्या इसे, ग्रुप्स बोलते हैं, तो नोन एज ग्रुप्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पीरियड्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं। नाउ लेट अस ड्रॉ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कि हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखता कैसा है, तो उसको हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमें पूरा का पूरा टेबल मेमोराइज करना है। बट डोंट वरी, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी उसको मेमोराइज करने के लिए। जब तक आपको टेबल मेमोराइज नहीं होगा, तब तक आप प्रॉपर्टीज को भी नहीं समझ पाओगे।
स्टूडेंट्स, तो हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ये जो मैंने वर्टिकल कॉलम्स बनाए हैं इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने टोटल 18 ग्रुप्स बनाए हैं जिन्हें मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देती हूँ, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट, ऑरेंज कलर से मैं आपको ग्रुप नंबर्स दिखा रही हूँ, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, ठीक है। दिस इज 13, 14, 15, 16, 17 और लास्ट में क्या है, 18, ठीक है। तो इधर जो जा रहे हैं वो ग्रुप नंबर्स हैं, जो हमारे वर्टिकल कॉलम्स हैं। तो ग्रुप नंबर्स मैं आपको लेफ्ट से राइट दिखा रही हूँ, ग्रुप नंबर्स, ठीक है। और ये हमारे 7 पीरियड्स हैं जिसे मैं आपको ब्लू कलर से दिखा रही हूँ। तो नीचे जब हम जा रहे हैं तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे पीरियड नंबर्स। तो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो आप देख सकते हो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं और कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं। अब वन बाय वन हमें सबके बारे में डिस्कस करना है। हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज को, लेकिन अभी हमें टेबल को मेमोराइज करना है। तो लेट अस स्टार्ट विद द ग्रुप वन। तो ग्रुप वन में हमारा क्या क्या आता है, ग्रुप वन में हमारा आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड लास्ट में क्या आता है, फ्रेंशियम, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है। अब इसको याद रखने के लिए आप शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हो, हे लीना, हे लीना की रब से फरियाद, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। तो क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो हे ली ना की रब से फरियाद, ऐसे आपको ग्रुप वन याद हो जाएगा। देन आता है हमारा ग्रुप टू, लिथियम के बाद क्या आता है, लिथियम के बाद आता है हमारा बेरिलियम, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। तो यहां से आप कैसे याद रख सकते हो, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ठीक है। राजी का मतलब होता है एग्री करना, ठीक है। तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो इस तरीके से आप स्टार्टिंग के फर्स्ट टू ग्रुप्स लर्न कर सकते हो। अब चलते हैं लास्ट के ग्रुप्स पे, ठीक है। तो लास्ट के ग्रुप्स में 13 पे क्या आता है हमारा, तो आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर पे क्या है, हाइड्रोजन। सेकंड नंबर पे यहां पे क्या आएगा, हीलियम, ठीक है। तो यहां पे हमारा आ जाएगा हीलियम। नोबल गैसेस तो आपको पता ही है, तो हम इसी तरीके से इसको फिल कर लेते हैं। हीलियम के नीचे क्या आता है हमारा, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और लास्ट में क्या आ जाता है, रेडॉन, ठीक है। तो ये सारी क्या है हमारी नोबल गैसेस, जो कौन से ग्रुप में आती हैं, ग्रुप 18 में। अब इसके बाद आप देखो, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और ग्रुप 13 यहां से स्टार्ट होता है। इसके बाद 2 के बाद जो थर्ड आता है, 4 के बाद जो फिफ्थ नंबर आता है वो कहां आता है, सीधा यहां पे, ये बीच में जो 10 रोज हैं, ठीक है, ये बीच में जो 10 कॉलम्स है इस पोजिशन पे नहीं होती है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहां पे सीधा क्या आएगा मेरे पास, बरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। आप देख सकते हो हाइड्रोजन के बाद क्या आ गया हमारा, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, देन यहाँ पे क्या आएगा, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के बाद सीधा यहाँ पे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, देन पोटेशियम एंड कैल्शियम। कैल्शियम के बाद 21 से लेके 30 तक हमारे ये बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले इस ब्लॉक को डिस्कस कर लेते हैं। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के नीचे क्या आता है, गैलियम, इंडियम एंड लास्ट में क्या आएगा हमारा, थेलियम, ठीक है। तो इसकी भी शॉर्ट ट्रिक्स मैं बताऊंगी अभी आपको। कार्बन के नीचे सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड फिर लेड,
फास्फोरस के नीचे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सल्फर के नीचे सेलेनियम, टेलूरियम एंड देन पोलोनियम, और लास्ट में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटिन। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, बी से बैंगन, आलू, गाजर, इन इंडियम से इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, यहाँ पे कार्बन से कॉर्न, सा गीत, सुनाऊं प्रभु, कौन सा गीत सुनाऊं प्रभु। ठीक है, यहाँ पे नेपाल, पाकिस्तान, नेपाल पाकिस्तान, एएसए ऑस्ट्रेलिया, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए। ठीक है, ये आपको शॉर्ट फॉर्म से सारे एलिमेंट्स याद रखने हैं। देन उस ओ एस क्या बना लेगा, उस, तो उस से टीपो, टीपना क्या होता है, चीटिंग करना, आपको पता ही होगा इतना तो क्या है, उससे टीपो, और लास्ट में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का क्या बन जाएगा, फिर कल बाहर, ब्रोमीन से बाहर आएगी, फिर कल बाहर आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप शॉर्ट फॉर्म में इसको लर्न कर सकते हो। अब बचे हमारे बीच के ये 10 रोज, तो आपको याद रखना है। अब ये जो रोज हैं ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे तो अच्छा होगा कि अगर आपको याद हो, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो आप ज्यादा अच्छे से प्रॉपर्टीज को समझ पाओगे और उतने ही अच्छे से आप क्वेश्चंस के आंसर्स कर पाओगे। इट वुड बी गुड अगर आपको पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल मेमोराइज हो जाए। ठीक है, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट तो मैंने भी मेमोराइज किया था। अब देखो, इसको मेमोराइज करने का एक तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता ही रही हूँ, बट आई वुड सजेस्ट कि मार्केट में पीरियोडिक टेबल का एक चार्ट आता है तो आप उसको खरीद कर अपने रूम में पेस्ट कर लो, ताकि जितनी बार भी आप उसको देखो उतनी बार आपको रिकॉल होता रहे। ठीक है, अब ये आती है हमारी नेक्स्ट, यहाँ पे आता है हमारा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और लास्ट में जिंक। ठीक है, इसे हम 3D ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगी आपको, हमारी ये चार ट्रांजिशन सीरीज होती हैं, इसे हम 3D सीरीज बोलते हैं, 4D, 5D और लास्ट में 6D। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा ये टर्बियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, मरकरी। ठीक है, मैंने इसी तरीके से लर्न कर रखा है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसको शॉर्ट तरीके से लर्न करो। दिस इज कैडमियम। ओके, तो जिंक के नीचे क्या आएगा हमारा, कैडमियम। नेक्स्ट हमारी 5D सीरीज कौन सी होती है, लैंथेनम, हैफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, सिल्वर के नीचे आ जाएगा गोल्ड और कैडमियम के नीचे आ जाएगा मरकरी। ठीक है, और लास्ट में लैंथेनम के नीचे आता है हमारा एक्टिनियम। इसके आगे भी ये सीरीज पूरी कंप्लीट है, लेकिन हमारे किसी काम की नहीं है तो हम उसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म्स हम देख लेते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म के लिए आप यहाँ पे स्कैंडियम, इसमें जो हम शॉर्ट फॉर्म लर्न करेंगे अगेन हम ग्रुप वाइज लर्न करेंगे। ठीक है, तो स्कैंडियम, ये टर्बियम, लैंथेनम और एक्टिनियम के लिए क्या है, स्कूटर, स्कूटर, यामाहा, ला एक। ठीक है, तो स्कूटर, यामाहा, ला एक, यहां पे टी जरा हाफ। ओके,
टाइटेनियम, जर्कोनियम और हैफनियम के लिए क्या है, टी जरा हाफ। वेनेडियम, नियोबियम और टैंटलम के लिए क्या है, वो नवाब था। ठीक है, वो नवाब था। क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन के लिए क्या है, क्रोमेटिन। आपने क्रोमेटिन का नाम सुना होगा, तो क्रोमेटन, आप यहां पे क्रोमेटन ही लर्न कर सकते हो। मैंगनीज, टेक्नीशियम और रेनियम के लिए मन तक रे। ठीक है, इस तरीके से लर्न कर सकते हो। अब यहां पे एफ ई आर यू और ओस, ऑस्मियम, तो ये क्या बन जाएगा, फेरस बन जाएगा यहां पे। तो ठीक है, तो फेरस। कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम के लिए आप क्या लिख सकते हो, कौन रहेगा, आईआर से आयरलैंड, कौन रहेगा आयरलैंड। ठीक है, देन निकल, पैलेडियम एंड प्लैटिनम के लिए नित्यानंद पंडित, नित्यानंद पंडित पिटा। ठीक है, नित्यानंद पंडित पिट गया। ठीक है, तो ये आप ऐसे लर्न कर सकते हो। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के लिए आप कैसे लर्न करोगे, कौन आगे आएगा। ठीक है, तो कौन आगे आएगा। ठीक है, और लास्ट में जिंक, कैडमियम, मर्करी के लिए जीनी कैनेडा होगा, जिनका होगा कनाडा में, तो जीनी कनाडा होगा। ठीक है, तो ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो पूरे टेबल को। अब यहाँ पे हम ये जो हमारे फर्स्ट टू कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो हमारे फर्स्ट टू कॉलम्स हैं, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू, इसे हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली दिस इज कॉल्ड एस ब्लॉक। ठीक है, कलेक्टिवली हम इसको क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। और लास्ट में 13 से लेकर 18 तक जो हमारे ग्रुप्स होते हैं, इसे हम बोलते हैं पी ब्लॉक। इसलिए आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री की बुक में चैप्टर्स भी ऐसे होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। ठीक है, ये बीच में जो 3 से लेकर 12 तक, ये जो 10 रोज हैं, 10 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं, इसे हम बोलते हैं डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के बेसिस पे ही हमारी चार तरह की सीरीज होती है, इसे हम बोलते हैं 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और लास्ट में 6D सीरीज। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा था कि डी ऑर्बिटल कहां से शुरू होता है, व्हेन n इज इक्वल टू 3, तो सबसे पहला डी ऑर्बिटल क्या होता है हमारा, 3D, तो दिस इज 3D, 4D, 5D एंड लास्ट में 6D। लेंथनम के बाद और एक्टिनियम के बाद 14 एलिमेंट्स यहां से निकालकर हम सेपरेटली नीचे रखते हैं। अब उन 14 एलिमेंट्स के बारे में हमें पढ़ना नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि ये 14 एलिमेंट्स हमने सेपरेटली कुछ इस तरीके से टेबल के नीचे रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसको आप सिर्फ ड्रॉ कर लो याद रखने के लिए कि कुछ इस तरीके से हमने 14 एलिमेंट्स को इस टेबल के नीचे रखा हुआ है। तो ये बेसिकली 2 रोज हैं, क्योंकि एक रो जो लेंथनम को फॉलो कर रही है और एक रो जो एक्टिनियम को फॉलो कर रही है। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब इसको थोड़ा नीट एंड क्लीन वे में ड्रॉ कर लो नोटबुक में। ठीक है, और इसके बीच में भी हमारा एक पार्टीशन आ जाएगा, क्योंकि हमें यहां पे 2 रोज बनानी है। ठीक है, ये जो 2 रोज है, इसे कलेक्टिवली हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है, दीज आर कलेक्टिवली नोन एज एफ ब्लॉक, दिस इज डी ब्लॉक। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी कि हमारा 4 ऑर्बिटल से काम चल जाता है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। इसलिए हमने इन 4 ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्कस किया था, इसके बाद हमने डिस्कस नहीं किया था। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में भी 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और लास्ट में एफ ब्लॉक। तो आपको याद रखना है कि कौन से ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स आते हैं। ये जो डी ब्लॉक वाले होते हैं, इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में से हमने क्या निकाला है, एफ ब्लॉक, तो इसे हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में से हमने निकाला इसको, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
तो ये नेम्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये जो पहली सीरीज है, पहली सीरीज को हम बोलते हैं लेंथेनाइट्स, लेंथेनाइट्स, और दूसरी सीरीज को हम बोलते हैं एक्टिनाइट्स, ठीक है। तो दीज आर टू सीरीज इन एफ ब्लॉक। अब इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, ये तो हमारा पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। दीज आर दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज, तो ये आपको याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म्स में मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा हमारे कुछ मैजिक नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो वो मैजिक नंबर्स मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, ठीक है। और ये जो मैजिक नंबर है दैट इज 2, 8, 8, 18 एंड देन 32, ठीक है। तो 2, 8, 8 दो बार, यहां पे 18 भी दो बार आएगा, और लास्ट में 32। ये जो मैजिक नंबर है ये हमारा ग्रुप 1 के लिए और ग्रुप 18 के लिए फॉलो होता है। कैसे होता है तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, ये रहा मेरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। अब हाइड्रोजन के नीचे क्या आता है, लिथियम, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या आएगा, उसमें आप 2 ऐड कर दो तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। लिथियम के बाद सोडियम का एटॉमिक नंबर कैसे आएगा, 2 के बाद क्या लिखा मैंने, 8, तो 3 में क्या ऐड करेंगे, 8, तो क्या आ जाएगा, 11। 11 के बाद फिर से क्या ऐड करेंगे, 8, तो कितना आ जाएगा, 19, जो कि पोटेशियम का क्या है, एटॉमिक नंबर। देन अगेन उसमें क्या ऐड करेंगे, 18, तो 19 में जब आप 18 ऐड करोगे यानी कि 37 किसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा, रुबिडियम का, ठीक है। सेम ग्रुप 18 के लिए भी है। अब यहाँ पे हीलियम का ऑलरेडी कितना है, 2, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, 2 से, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, 2 में आप 8 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 10, किसका एटॉमिक नंबर है, नियॉन का, नियॉन में 8 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 18, किसका एटॉमिक नंबर है, आर्गन का, 18 में फिर से 18 ऐड करोगे तो 36, किसका एटॉमिक नंबर है, क्रिप्टन का, 36 में 18 ऐड करोगे तो 54, किसका है, ज़ेनॉन का, फिर ज़ेनॉन में आप कितना ऐड करोगे, 32 यानी कि 86, तो किसका आ जाएगा, रेडॉन का। तो ये जो मैजिक नंबर्स हैं ये आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 18 के लिए जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा पी ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक मतलब मेरा इस ब्लॉक से मतलब है ग्रुप 18 के लिए तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब ये जो बचा ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक, तो ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक मेरे मैजिक नंबर्स क्या होते हैं, 8, 18, 18 और लास्ट में 32, ठीक है। तो दीज आर मैजिक नंबर्स फॉर ग्रुप नंबर 13 से 17 तक। कैसे है आप वेरीफाई कर सकते हो, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5, ठीक है, तो बोरोन इज 5। 5 के बाद एल्यूमिनियम का कितना आएगा, उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 8 ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 13, तो एल्यूमिनियम का कितना है, 13। उसके बाद 13 में आप क्या ऐड करोगे, 18, विच इज 31। आप यहां से देख सकते हो कि 30 पे खत्म हो रहा है और ये 31 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनके एटॉमिक नंबर्स को भी याद रख सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आपको पूरा का पूरा मेमोराइज करना है।